शौचालय बना नहीं, पानी पहुंचा नहीं, फिर पंचायत बन गया ODF। गरीबों को घर मिला नहीं, पानी निकासी का इंतजाम नहीं, फिर भी PM ने दे दिया बेस्ट पंचायत का अवार्ड। BDO साहब से पूछा तो कह दिया कि अधिकारी को भेज देते हैं, वो देख लेगा। लेकिन इतना बड़ा झोला कैसे हो गया, इसका जवाब कौन देगा? हाँ BDO साहब, हाँ गांव तक बिहार चैनल से बोल रहे हैं। कहाँ से? गांव तक बिहार चैनल से सुबोध बोल रहे हैं। अच्छा जी जी, मांगनपुर पंचायत में आए हुए हैं, यहाँ 100 लोग मौजूद है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, पानी नहीं पहुँचा, लोगों को घर नहीं मिला, शौचालय का इंतजाम नहीं है, और लोगों का कहना है कि बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला है यहाँ के मुखिया को। कौन वार्ड में? मांगनपुर पंचायत का वार्ड नंबर कितना है? 7 नंबर वार्ड, मुखिया का वार्ड है। शौचालय है वहाँ मौजूद? शौचालय बनाया गया है 1 साल पहले, गेट नहीं है, पूरा जंगल जी। आप वहाँ पे मुखिया जी मौजूद हैं? नहीं, मुखिया जी मौजूद नहीं है। लोग कहना है कि मुखिया जी आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अच्छा जी, और आप लोग की मौजूदगी में पुरस्कार दिया गया है। हाँ हाँ जी, तो ठीक है, आज हम वहाँ अभी BPRO को भेज देते हैं थोड़ी देर में। आज भेज रहे हैं? भेज देते हैं। आपका वार्ड नंबर कितना बोले? वार्ड नंबर 7 और कई वार्ड में घूमे, 14 सात 14 और कई वार्ड में घूमे हैं। लगभग जगह पे नल जल की शिकायत सभी जगह है, शौचालय भी लगभग वार्ड में शौचालय का इंतजाम नहीं है, गरीबों के घर में कहीं शौचालय है ही नहीं, बना ही नहीं है। गांव का कम्युनिटी शौचालय या सिंपल शौचालय, वो पर्सनल शौचालय, कम्युनिटी शौचालय का इंतजाम बता रहे हैं या नहीं? सार्वजनिक शौचालय कितना हुआ? 7 नंबर वार्ड ना, 7 नंबर वार्ड में सार्वजनिक शौचालय बना है। सार्वजनिक शौचालय, देखिए सार्वजनिक शौचालय सब जगह का नहीं आया था, है ना? नहीं नहीं, लेकिन ये 1 साल पहले बन चुका है, 1 साल पहले। अच्छा, बना हुआ है जो, गेट नहीं लगा है, जंगल उपजा हुआ है, पैटर्न है ना। एक सेकंड, एक सलाम, ठीक ठीक है, हम भेज देते हैं BPRO को। ठीक है ठीक। मामला वैशाली जिले के मांगनपुर पंचायत का है। गांव के लोग लाचार है, कोई सुन नहीं रहा, समाज से भी पहल कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन ले तब ना। हम मांगनपुर पंचायत से बोल रहे हैं, हमारे पंचायत में आपको पंचायत भवन है या समुदाय भवन है, वहाँ पर स्वच्छता की बात हो रही है, तो वहाँ पे आज तक शौचालय नहीं है। हमारे महिला प्रतिनिधि है या ग्रामीण जाते हैं, उस जगह कहीं भी शौचालय का वहाँ व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, हमारे वार्ड की रोड की बात करें तो रोड में एक के रोड पे 3-3 बोर्ड लगाया गया, लेकिन किस मध्य से बना उसका कोई धरातल पर कोई लेखा जोखा नहीं है। पदाधिकारी से हमने RTI से मांग किया कि आखिर यहाँ हमारे पंचायत में कौन कौन काम किस योजना से हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारे BDO साहब से मांग किए, पंचायत सचिव से मांग किए, लेकिन कोई उपलब्ध आज तक नहीं कराया। और हमारे पंचायत तो सबसे ख़त्म है, जहाँ की विकास के नाम पर कहीं से यहाँ झूठ का ढंडोला पीटा जा रहा है। पानी के लिए लेके चलिए तो पानी में हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं है। 10-20 घर में, हर वार्ड में पानी मिला, 25 घर में नहीं मिला, 50 घर में नहीं मिला। पानी रोड, पानी जो है हमारा पाइप जो है ऊपर से चल रहा है, यानी 10 इंची 5 इंची तर में पाइप करके 3 नंबर पर जांच के लिए लोग को कहा, प्रशासन को बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई जांच नहीं होता, पाइप लीकेज है। आवास योजना जहाँ तक की बात है तो गरीबों को नहीं मिलने जा रहा है, कहीं भी मैंने घुस से जिसको पाए उसी को दिया जा रहा है, घुसखोरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही है। ये सारा काम कागज पर हुआ और मुखिया जी हमारे वार्ड पा गए, इसमें प्रशासन से लेके शासन और प्रशासन समूचे मिले हुए हैं। इस झोल बड़ा है, PM ने अवार्ड दिया है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट तैयार किया। अब जब गांव के विकास की पोल खुल रही है तो अपनी गर्दन भी तो बचानी होगी। शिकायत प्रखंड में किया गया है, जहां जांच का नहीं बल्कि देख लेने का सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि PM ने अवार्ड दिया है, इसलिए ऊपर के अधिकारी भी जनता के सुनेंगे, इसमें शक है। लेकिन जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाए, इसलिए गांव के लोग आवाज उठा रहे हैं और गांव तक बिहार उनकी इस मुहिम में सहभागी बनने का काम कर रहा है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।